आज के समय के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं ना, जो व्यूज होते हैं ना ज्यादा, उन वीडियोस को देखते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि वो जो व्यूज हैं वो 2 साल या फिर 3 साल पहले की वीडियो है। तो उनमें क्या होता है कि जो पहले की चीजें सिर्फ वो पढ़ाई जाती है, लेकिन आज के समय की वीडियो में कुछ चीजें अपडेटेड आती हैं। तो वो उन बच्चों से थोड़ी मैं चाहूंगा कि थोड़ा वो देख के पढ़ें। अगर आप देख रहे हैं पहले की वीडियो, किसी भी आप चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसमें 3 साल या फिर 4 साल पहले की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, मानता हूं, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज के समय बदल चुकी हैं। जैसे कि जो यूरोपीय संघ है उसमें ब्रिटेन और फ्रांस थे, लेकिन वो अलग हो गए थे, लेकिन बच्चों ने कुछ वीडियोस में ये पढ़ लिया और उसको लिख करके भी आए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, पुरानी वीडियो जो 3 साल या फिर 4 साल पहले की कोई वीडियो है, और आप उसी टॉपिक को पढ़े जो आपके बुक में है, तो मैं चाहूंगा आप ध्यान से पढ़ें। जो आज के समय की वीडियो आप उनको देखें, आप अपडेटेड वीडियो देखें, या फिर ऐसी चीजें देखें, अगर आप मान लीजिए गलत देख लेते हैं तो उसको आप दोबारा पढ़िए, ताकि आपको समझ आए। ये नहीं कि आपने 4 साल पहले का पढ़ा और वही आपने आज के समय में लिख दिया, तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप गलत होंगे एक तरीके से। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पुरानी वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो उनको इस तरीके से देखें, उनको चेक जरूर करिए, क्योंकि कुछ चीज जरूर है जो चेंजेस आए हैं। ठीक है।